नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म को देखेंगे। ये आपके एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 12 मार्क्स के लिए आएगा और इसके कुछ सब टॉपिक्स आपको 5 मार्क्स के लिए आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब है उपयुक्ततावाद, लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म ये हेडोनिज्म यानी सुखांतवाद से डिराइव किया है। सुखांतवाद वाले जो फिलोसोफर्स थे यानी हेडोनिज्म के जो फिलोसोफर्स थे, वो कहते थे कि इंसान का जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुख पाना, एक इंसान जितना सुख पाएगा उतना ही सुखी होता जाएगा, ऐसा हेडोनिज्म के जो फिलोसोफर्स थे वो कहा करते थे। लेकिन यूटिलिटेरियन जो फिलोसोफर्स थे वो एक स्टेप आगे चले गए और उन्होंने कहा कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल, मतलब प्रोवाइडिंग ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल इज द अल्टीमेट एम ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हैप्पीनेस पहुँचाना, खुशी पहुँचाना, या फिर कम से कम लोगों को पीड़ा देना, इसका मतलब है यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयुक्ततावाद। तो एक रेलवे लाइन का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दो लाइन्स है, एक लाइन पर 5 लोग बंधे हुए हैं और दूसरी लाइन पर एक आदमी बंधा हुआ है। सामने से ट्रेन आ रही है और आप मोटरमैन हो, आप किन लोगों की जान बचाओगे? 5 लोगों की जान बचाओगे या एक लोग की जान बचाओगे? जो यूटिलिटेरियन फिलोसोफर्स है वो कहते हैं 5 लोग की जान जाने से अच्छा एक आदमी की जान चली जाए, क्योंकि 5 लाइफ की जो 5 लाइफ का जो मूल्य है वो एक से कई गुना ज़्यादा है। तो यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी एक बहुत ही प्रैक्टिकल फिलोसॉफी है। आपके कई नॉर्मल आप अनजाने में डे टू डे लाइफ में यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, एग्जाम में आप क्या लिखेंगे। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस। यूटिलिटेरियनिज्म इज अ फिलोसॉफी विच टेल्स अस टू डू ओनली दोज थिंग्स विच आर यूजफुल एंड विच प्रमोट्स हैप्पीनेस। यूटिलिटेरियन फिलोसोफर्स से दैट ओनली वॉट इज यूजफुल इज गुड एंड दैट यूजफुलनेस शुड बी रैशनली डिटरमाइंड। यूटिलिटेरियनिज्म इज द मोस्ट प्रैक्टिकल फिलोसॉफी। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। आप इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे यूटिलिटेरियनिज्म का मीनिंग एंड डेफिनेशन। द मोटो ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इज टू अचीव द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल। द फिलोसॉफी विच सेज दैट ओनली वॉट इज यूजफुल इज गुड एंड दैट यूजफुलनेस शुड बी रैशनली डिटरमाइंड एंड विच एम्स एट अचीविंग द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल इज नोन एज यूटिलिटेरियनिज्म। तो यूटिलिटेरियनिज्म का एक और सिद्धांत है कि इंसान एक रैशनल आदमी है और वो डिराइव कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया है कि टू प्रोवाइड ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल और इंसान एक रैशनल आदमी है, इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो यूटिलिटेरियनिज्म का मीनिंग बन जाता है, जो मैंने इस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया है। जेरेमी बेंथम आपके यूटिलिटेरियनिज्म के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। ये आपका 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। Define utilitarianism and explain who is the father of utilitarianism. तो आपको लिखना है जेरेमी बेंथम utilitarianism का फादर था। तो utilitarian thinkers आपको पूछे जा सकते हैं define utilitarianism and name 4 utilitarian thinkers. ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। तो आपको बोलना है कि जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल, जे एस मिल और डेविड ह्यूम। तो जेम्स मिल और जे एस मिल एक दूसरे के पिता और पुत्र थे। अभी आपके लिए एक छोटा सा ट्रिविया है, आर यू और यूटिलिटेरियन थिंकर, एक एग्जाम्पल लीजिए और ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखना होगा। आप यूटिलिटेरियनिज्म के डीमेरिट्स में इसको लिख सकते हैं। सपोज अ लाइव टेलीकास्ट ऑफ IPL मैच इज गोइंग ऑन स्टार स्पोर्ट्स चैनल। इन द कंट्रोल रूम ऑफ द चैनल अ पर्सन फेल डाउन इन द इलेक्ट्रिक सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन रूम एंड ही इज बींग इलेक्ट्रोक्यूटेड। यू आर द मैनेजर ऑफ द कंट्रोल रूम एंड इफ यू सेव हिम द लाइव टेलीकास्ट शैल बी स्टॉप फॉर 15 मिनट्स, विल यू सेव हिम? इसको मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। आप लोग IPL के तो फैन होंगे ही, तो समझिए स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर IPL का मैच चल रहा है, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है
और इसके कंट्रोल रूम में जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिग्नल होते हैं उसके रूम में मान लीजिए एक इंसान गिर गया और उसको शॉक लग रहे हैं, और आप उसके मतलब आप उस स्टूडियो के मैनेजर हो, आप एक वॉचमैन को लेके आए हो, आपको उसको बचाना है। लेकिन अगर आपने बचा लिया तो पूरे देश का जो लाइव टेलीकास्ट है वो 15 मिनट के लिए रुक जाएगा। तो क्या आप उसको बचाएंगे या नहीं? अगर हम लोग यूटिलिटेरियन फिलॉसफी के हिसाब से चले तो यूटिलिटेरियनिज्म का मोटो क्या है? टू प्रोवाइड ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल, यानी पूरे देश की खुशी वो आदमी के मरने से ज़्यादा है, ये यूटिलिटेरियन फिलॉसफर्स बोलते हैं। और इसी में यूटिलिटेरियनिज्म का डीमेरिट भी छुपा हुआ है, तो आपको ये डीमेरिट में आपको एक एग्जाम्पल डालना है। आप इसका वर्डिंग चेंज करिए और इसको डीमेरिट करके डाल दीजिए। तो यूटिलिटेरियन फिलोसोफर बोलते हैं कि पूरे देश का खुशी उस आदमी के मरने से ज़्यादा है, इसलिए यूटिलिटेरियन फिलोसोफर्स उसको वही मरने देंगे लेकिन देश का टेलीकास्ट नहीं रोकेंगे, लेकिन कोई भी एक रैशनल इंसान होगा वो उसको बचा लेगा। ये इसका आंसर है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जेरेमी बेंथम ये यूटिलिटेरियनिज्म का फाउंडिंग फादर माना जाता है। ये आपको जो फोटो दिख रहा है वो है जेरेमी बेंथम। इसके हम लोग नोटेबल कंट्रीब्यूशन के बारे में देख सकते हैं। कभी कभी आपको 2 मार्क्स के लिए जेरेमी बेंथम के बारे में भी पूछा जा सकता है। सो जेरेमी बेंथम बॉर्न ऑन 1748 डाइड ऑन 1832 वाज एन इंग्लिश फिलोसोफर जूरिस्ट अ सोशल रिफॉर्मर एंड अ स्टेट्समैन। उसके नोटेबल कंट्रीब्यूशंस के बारे में देखते हैं। जेरेमी बेंथम को हम लोग बोलते हैं फाउंडिंग फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, और इसने हैप्पीनेस प्रिंसिपल भी दिया, मतलब जो अभी आपको क्वेश्चन पूछा था कि आईपीएल रूम में अगर किसी को शॉक लग रहा है तो आप उसको मरने देंगे या वही छोड़ देंगे। तो जेरेमी बेंथम इसी ने उस हैप्पीनेस प्रिंसिपल का मतलब आविष्कार किया था, यानी पूरे देश की जो हैप्पीनेस है वो उस आदमी के मरने से ज़्यादा है, इसीलिए उसको वहीं छोड़ने दो, ये जेरेमी बेंथम ने कहा था। यानी और जेरेमी बेंथम ने फिलोसोफिक कैलकुलस करके एक एरिथमेटिक कैलकुलेशन है उसका भी मतलब आविष्कार किया था, जो हम लोग अगली स्लाइड्स में देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं जेरेमी बेंथम्स कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। जेरेमी बेंथम स्टेट्स दैट ह्यूमन बीइंग्स आर प्लेजर सीकिंग एंड पेन अवॉइडिंग एनिमल्स। बिल्कुल सही कहा उसने कि इंसान जो है वो हर बार पेन को अवॉइड करना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा सुख पाना चाहता है। वी डू दोज थिंग्स विच गिव्स अस प्लेजर एंड अवॉइड दोज विच गिव्स अस पेन। बेंथम ऑल्सो सेड दैट यूटिलिटी इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, यानी वो कहता है कि यूटिलिटी को हम लोग फिजिकली मेजर कर सकते हैं, और ये उसने बहुत ही गलत कहा है। और उसी का जो शिष्य है यानी J.S. मिल, ये इसी को आगे ट्विस्ट करके एक एक्यूरेट थियरी बताता है। तो आपको जेरेमी बेंथम की थियरी पर नहीं J.S. मिल की थियरी पर ज़्यादा एम्फोसिस देना होगा। ही सेड दैट यूटिलिटी कैन बी एरिथमेटिकली मेजर्ड। जेरेमी बेंथम सेड दैट एवरीवन वांट्स टू डिराइव प्लेजर एंड नो वन वांट्स टू बेयर पेन। जैसा कि उसने पहले ही कहा था कि ह्यूमन बीइंग एक इंसान है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा सुख चाहिए और बिल्कुल पेन वो बेयर नहीं करना चाहता, तो इसी का इसने एक आगे चलकर एक बात कही। जेरेमी बेंथम डेवलप्ड फिलोसोफिक कैलकुलस इन ऑर्डर टू मेजर यूटिलिटी पेन एंड प्लेजर। तो फिलोसोफिक कैलकुलस एक एरिथमेटिक इक्वेशन है जिससे हमारी उपयुक्तता, हमारी पेन और प्लेजर यानी दुख और सुख ये मेजर करता है एक एरिथमेटिक इक्वेशन से। तो फिलोसोफिक कैलकुलस पर आपका एक शॉर्ट नोट निकल कर आ सकता है। फिलोसोफिक कैलकुलस के 7 इंडिकेटर्स है, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी, प्रोपेंसिटी, फेकंडिटी, प्यूरिटी एंड एक्सटेंट। इसका मैंने बाजू में मीनिंग भी समझाया है। इंटेंसिटी का मतलब है हाउ स्ट्रांग इज प्लेजर, ड्यूरेशन का मतलब है हाउ लॉन्ग इज प्लेजर, सर्टेनिटी मतलब कितना सर्टेन है, प्रोपेंसिटी मतलब वो नेचुरली उसका नेचुरल ट्रेंड क्या है, फेकंडिटी मतलब कितना फ्रूटफुल है, प्यूरिटी मतलब कितना प्योर है, और एक्सटेंट मतलब उसका एक एक्सटेंट क्या है यानी पूरी तरह से एक्सपांड किया जा सकता है या नहीं। तो ये 7 इंडिकेटर्स है, आपको वर्ड टू वर्ड याद रखने हैं क्योंकि इस पे एक शॉर्ट नोट निकल कर आ सकता है, आपको 5 मार्क के लिए ये आएगा। और बेंथम डिनाइड दैट यूटिलिटी इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट
उससे पहले मतलब बेंथम के जमाने से पहले ही यूटिलिटी को एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता था। क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब हमारे जो गुण होते हैं यानी सुख दुख, इनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। मुझे इतना दुख हुआ, मुझे इतना सुख मिला, ये हम लोग फिजिकली या फिर मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये पहले से चला आ रहा है, लेकिन बेंथम ने कहा इसको हम लोग फिजिकली भी मेजर कर सकते हैं और एरिथमेटिकली भी मेजर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, बहुत ही बड़ी घोड़चूक उसको हम लोग बोलेंगे मराठी में। बेंथम कैलकुलेटेड यूटिलिटी एज फॉलोस। यूटिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्लेजर माइनस सम ऑफ ऑल पेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये थियोरी बहुत ही गलत है, फिर भी आपको इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, और गलत है इसीलिए ये थियोरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और एनी ऑब्जेक्ट विच टेंड्स टू प्रोड्यूस एडवांटेजेस बेनिफिट्स एंड प्लेजर। यूटिलिटी क्या है? कोई ऐसी वस्तु या फिर कोई ऐसी सर्विस जो हमारे लिए या तो ज़्यादा से ज़्यादा सुख या फिर प्लेजर निर्माण करके देगी या फिर हमें कम से कम पेन देगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूटिलिटी। ये जेरेमी बेंथम ने बहुत ही एक्यूरेट डेफिनेशन कहा यूटिलिटी का। अभी जेरेमी बेंथम ने ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल भी दिया था। जेरेमी बेंथम कहते हैं एक्शंस एंड बिहेवियर्स आर राइट सो फार एज दे प्रमोट एंड प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर, एंड दे आर रॉन्ग इफ दे प्रमोट अनहैप्पीनेस और पेन। मतलब जैसा कि मैंने आपको बोला था पहले ही कि या तो कोई एक्शन हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशी देगी या फिर कम से कम दुख देगी, तो वो एक अच्छी या फिर बहुत ही अच्छी एक्शन हम लोग बोल सकते हैं। विच मीन्स दैट इफ एन एक्शन इज प्रमोटिंग हैप्पीनेस और प्लेजर, इट इज़ अ राइट एक्शन, और इफ इट इज नॉट प्रमोटिंग देन इट इज अ रॉन्ग एक्शन। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर इज द ओनली मॉरल गोल ऑफ ह्यूमन बींग। तो एक्चुअली ये थियरी तो हमें जो पुराने जमाने में जिसको हम लोग बोलते हैं राक्षसी मेंटेलिटी, आसुरी मेंटेलिटी की है, यानी वो कहता है कि इंसान का सिर्फ एक ही एम है, ज़्यादा से ज़्यादा सुख को निचोड़ लेना। तो ये एक आसुरी मेंटेलिटी हो गई, लेकिन उसको शायद पता नहीं होगा कि मतलब पुराने जमाने में हमारे स्वतंत्र लड़ाई जो हुआ था, इसमें कितने फ्रीडम फाइटर्स ने अपने बलिदान दिए थे, कितने फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी ज़मीनें भी न्योछावर कर दी थी। इसको शायद सेल्फलेस गेन भी होता है, सेल्फलेस काम भी किया जा सकता है, इसका एक अंदाज़ा नहीं होगा। और ये आपको क्रिटिसिज्म में लिखना है कि जेरेमी बेंथम का एक मेन क्रिटिसिज्म है वो सेक्रीफाइसेस को और सेल्फलेस गेन्स को निग्लेक्ट करता है। और लास्ट में देखेंगे कि बेंथम ने कहा इंडिविजुअल हैप्पीनेस इज इक्वल टू कलेक्टिव हैप्पीनेस, और ये भी बहुत ही गलत कहा उसने कि एक इंसान की जो खुशी है वो पूरे देश की खुशी या फिर 100 लोगों की खुशी जितनी है, ये जेरेमी बेंथम कहता है। तो सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।